वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 जनवरी 2022, और 5 जनवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स 2022 के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। चाय के प्याले के साथ आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 जनवरी 2022 की हमें बात करते हैं। तो 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है विश्व पंछी दिवस। तो याद रखना, 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि आने वाली राजस्थान पुलिस के लिए जैसे भी हम राजस्थान जीके से संबंधित भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति से संबंधित वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और PDF हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 5 जनवरी 2022 का। हाल ही में किस देश में COVID-19 का नया वेरियंट IHU मिला है? तो किस देश में मिला है? ये मिला है फ्रांस में। फ्रांस में अभी जो COVID-19 का क्या है, नया वेरियंट मिल गया है, उसका नाम है IHU। क्या नाम है? IHU। मुख्य तथ्य देखो, फ्रांस में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कथित तौर पर COVID-19 के एक नए वेरिएंट की पहचान की है, उसका नाम है IHU। और नए वेरिएंट को क्या है, ओमाइक्रोन की तुलना में अधिक उत्परिवर्तित तनाव कहा जाता है। ये भारत में है, ओमाइक्रोन अभी आने वाला है, और इसमें इसके बदले में ये जो अभी नया वेरिएंट मिला है ना IHU, ये सबसे खतरनाक है। तो ये फ्रांस की बात है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमोएल मैक्रो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वो है जीन कैस्टेक्स। और जो ये अभी नया वेरिएंट की खोज की है, उसने की है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इसकी बात करता हूँ मैं, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडवेनोम गेब्रेयेसस। नाम थोड़ा कठिन है, याद रखना कि इसमें वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडवेनोम गेब्रेयेसस। तो ये वर्तमान में WHO के क्या है, महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है? तो कौन सा राज्य रहा है? वो रहा है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना अभी खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में सबसे देश में क्या है, टॉप पे रहा है। मुख्य तथ्य देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण का सेकंड ये चरण है, इसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे खुले में क्या है, शौच मुक्त, इसका नाम क्या है, ODF+ गांवों की सूची में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद में तमिलनाडु ने क्या है, 4432 गाँव यानी कि 35.39%, और कर्नाटक में 1511 गांव है। तो इसके बाद में एक नंबर पे तेलंगाना, और उसके बाद में तमिलनाडु और कर्नाटक है, ये तीन रहे हैं। अब अंतिम में कौन रहा है सबसे कम? तो वो है गुजरात। कौन है? गुजरात अंतिम में है। और उसके बाद में गुजरात में क्या है, 83 गांव के साथ ये 17वें स्थान पर रहे हैं। कौन सा? गुजरात। तो अब तेलंगाना की बात है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराजन राज्यपाल हैं। और राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो ये थी दूसरे क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? अभी अश्विनी वैष्णव, जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव ने क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए रखने वाली रुचियों को कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ याद रखना, ये रेल मंत्री भी हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और इन्होंने क्या अभी सेमीकंडक्टर के क्या है, अभी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है?
तो किसने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने अभी 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। मुख्य तथ्य देखो, फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता की है, अध्यक्षता ग्रहण की है 1 जनवरी 2022 से। और देश क्या किया गया, अगले 6 महीनों के लिए 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा। अगले 6 महीने तक ये करेगा, 30 जून 2022 तक ये अध्यक्षता करेगा। कौन? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी मैंने बता दी आपको पेरिस, और पीछे आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच कौन करेगी? तो कानूनी शादी की जो कानूनी उम्र है वो बढ़ाने के संबंधी विधेयक की जांच कौन करेगी? वो करेगी सुष्मिता देव। कौन करेगी? सुष्मिता देव। क्योंकि अभी भारत में भी क्या है कि पहले लड़कियों की उम्र 18 उम्र थी, अब इसको बढ़ाकर क्या है 21 वर्ष कर दिया है। मुख्य तथ्य देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल 1 महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य इसमें शामिल होंगे। और कुल 31 सदस्यों में क्या है, TMC सांसद है ये सुष्मिता देव, समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि होगी। और इसकी जांच के लिए कौन होगी, ये TMC सांसद है सुष्मिता देव, इसकी जांच के लिए होगी, उम्र बढ़ाने संबंधी इसकी जांच करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने नई हाइपरसोनिक तिरस्कोन मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो अभी किस देश ने किया है, वो किया है रूस ने। किसने? रूस देश ने अभी हाइपरसोनिक तिरस्कोन मिसाइलों का परीक्षण किया है। मुख्य तथ्य देखते हैं, रूस ने एक फ्रीगेट, लगभग 10 नई त्रिकोण यानी कि जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एक पनडुब्बी से अन्य 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। जिरकोन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी, और इसकी मारक क्षमता क्या है, 1000 किलोमीटर 620 मील होगी। कितनी होगी, 1000 किलोमीटर और 9 गुना तेज उड़ान भरने वाली है इसमें क्षमता होगी। अब रूस की बात है तो रूस ने क्या है, अभी डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का भी खिताब जीता है। तो ये भी आपको याद रखना कि डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है, रूस ने। तो ये अभी लॉन्च किया है नया हाइपरसोनिक तिरस्कोन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, किसने, रूस ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मैंने कल आपको सुबह भी बताया था कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 4 जनवरी को। कब है? 4 जनवरी को। मुख्य तथ्य देखो, वर्ष 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जो ये लुई ब्रेल है ना, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए क्या है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था 1 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्धों खेलों की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत है जो अभी 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्धों की मेजबानी करेगा। मुख्य तथ्य देखो, भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को क्या है, आमंत्रित किया है। कितने को? 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। अभ्यास मिलन के 11वें संस्करण का विषय क्या होगा? सौहार्द सामंजस्य और सहयोग है। तो ये बात थी भारत की। अब भारत देखो, पिछले भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत अब की बार 8वीं अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब भी जीता है। तो ये भी आपके साथ साथ में याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के अगले CEO कौन नियुक्त होंगे? इतना शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के अगले CEO कौन नियुक्त होंगे? वो होंगे विनोद कनन। कौन होंगे? विनोद कनन अभी एयरलाइंस के अगले CEO नियुक्त होंगे। मुख्य तथ्य देखते हैं, विनोद कनन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने लेस्ली थंग का स्थान लिया है जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक ये CEO थे। कौन है ये लेस्ली थंग? अब संभालेंगे विनोद कनन। अब और CEO देखो, आयुष्मान भारत के CEO कौन है? RS शर्मा। और कोका कोला कंपनी के CEO कौन है? जेम्स विक्सी। कौन है?
जेम्स क्विवसी कोका कोला के सीईओ हैं और आयुष्मान भारत के सीईओ कौन हैं? आरएस शर्मा और अभी विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ कौन बनेंगे? विनोद कनन। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में आठवीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। सारे विद्यार्थियों का जितने भी जवाब दिए थे सारे विद्यार्थियों का जवाब कमेंट बॉक्स में सही था, तो सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था सारे विद्यार्थियों का सही आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है कल के लिए कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी, अजय त्यागी या सचिन अरोड़ा या सुनीत शर्मा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने आपके भाई बंधु दोस्त हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि उन्हें भी इंडिया करंट से संबंधित क्या वीडियो मिल सके। और शाम को मैंने 7:30 बजे कल आपको उपलब्ध करवा दिया राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और आज आपको 7:30 बजे शाम मिलेगा वीडियो राजस्थान के किसान आंदोलन। कौन सा? राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित आपको वीडियो मिलेगा। और आप यूट्यूब पर आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में क्या है, क्या राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल महिला एवं बाल विकास से संबंधित, राजस्थान कंप्यूटर से संबंधित, और राजस्थान का जो रिवीजन करंट है वो भी उसमें उपलब्ध करवा रखा है हमने, वो भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और डेली करंट आपको सुबह ये मिल रहा है। और शाम को मैंने राजस्थान हिस्ट्री से मैंने शुरुआत कर दी, उसके 1857 की क्रांति के मैंने टॉपिक करवा दिए, और अब जनजातीय आंदोलन का कल मैंने करवा दिया। अब आपके लिए कल के लिए मैं जो आज शाम को मैं उपलब्ध करवाऊंगा तो वो होगा राजस्थान के किसान आंदोलन। तो आप पढ़ के आना सारे विद्यार्थी। तो तहे दिल से सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।